नादिया तमांसोकोवा, वो दमदार महिला जिसने रूस को नाकों चने चबवा दिए, लेकिन अपनी जमीन का रत्ती भर टुकड़ा अलग नहीं होने दिया। रूस यूक्रेन की एलानिया जंग में आखिर क्यों याद आ रही है लोगों को यूलिया? तो आइए क्राइम तक पर आपको बताते हैं उस महिला के बारे में जिसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इस हद तक धमकाया कि उनकी इंच भर की जमीन का टुकड़ा तो दूर, उनसे बात करने में भी पुतिन खौफ खाते थे। रूस और यूक्रेन के मैदानी जंग से जो भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही हैं, उसे देख तो दुनिया के लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं तमाम देशों ने अलग अलग तरीकों से रूस पर लगातार दबाव बनाने की कई कोशिशें की, लेकिन रूस की हिचकिचाहट कम होती नहीं दिख रही। इस बीच यूक्रेन की जनता अपनी पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया की याद करते दिख रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर यूलिया कमान संभाल रही होती तो आज मंजर कुछ अलग होता। आपको बता दें कि यूलिया यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इसी के साथ वो दो बार यूक्रेन की प्रधानमंत्री भी बनी। पीएम पद पर रहते हुए रूस को यूलिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके कारण रूस कभी इतनी हिम्मत ना दिखा सका कि बात जंग तक पहुंच जाए। यूलिया हमेशा से ही पश्चिमी देशों से बेहतर रिलेशन की वकालत करती रही है और यूक्रेन को नाटो में शामिल करवाने की कई बार कोशिशें भी की। वैसे तो यूलिया की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूलिया यूक्रेन में गैस क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ यूलिया का गैस का बड़ा बिजनेस था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया और जल्द ही यूलिया यूक्रेन की पहली महिला पीएम बन गई। यूलिया कुछ महीनों के लिए 2005 में और फिर 2007 से 2010 तक यूक्रेन की पीएम रही। हालांकि यूक्रेन में साल 2004 के इलेक्शन में रूस के सपोर्टर राष्ट्रपति विक्टर याश्नोकोव की जीत हुई, जिसमें यूलिया समेत अन्य सभी विपक्ष के नेताओं ने विक्टर पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और इसी के चलते यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यूलिया की पार्टी की फ्लैग का कलर ऑरेंज ही था और यूलिया की पार्टी ही रूस की तरफ झुकाव रखने वाली विक्टर के खिलाफ सबसे आगे रही थी, जिसके बाद यूलिया इस आंदोलन में बड़ी नेता के रूप में सामने आई। साथ ही यूक्रेन में इस आंदोलन को काफी बड़ा समर्थन मिला। आखिरकार यूलिया ने विक्टर को यूक्रेन और पीएम पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिस वजह से विक्टर को रूस भागना पड़ा। फिर साल 2010 में विक्टर की सरकार बनते ही यूलिया के बुरे दिन शुरू हो गए। यूलिया ने पीएम रहते हुए रूस के साथ एक गैस डील साइन की थी, जिसमें उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। विक्टर ने उनको जेल में डाल दिया। यूलिया 2011 से 2014 तक जेल में ही रही, लेकिन जेल में रहते हुए भी यूलिया को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समेत विश्व के कई देशों से समर्थन मिला।